तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ठीक है, डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन देख चुके थे। इसका डिफरेंशिएशन होता है x का पावर n, और x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। और पिछले वीडियो में हम लोग c के बारे में भी पढ़ चुके थे कि c कैसे आता है, c का मतलब क्या है, c कांस्टेंट है और वो कैसे आता है। तो आज कुछ और डेरिवेटिव देखेंगे और उसका इंटीग्रेशन साथ में देखेंगे। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव है d बाय dx x, यानी डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को x का, तो इसका क्या वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आता है 1, मींस x का डिफरेंशिएशन होता है 1, ओके। तो इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे, किसका जो भी डिफरेंशिएशन का वैल्यू आया उसका इंटीग्रेशन करेगा, उसका वैल्यू क्या आया जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो आएगा, ठीक है। तो मींस इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा x, तो इसका वैल्यू आएगा x और प्लस में c यानी कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं और उसका इंटीग्रेशन भी साथ में देखेंगे। तो थर्ड नंबर है d by dx ब्रैकेट में sin x, मींस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो लिखेंगे हम लोग। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे cos x, और सिमिलरली हम लोग cos x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, sin x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू क्या आएगा, sin x, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, sin x plus c, ओके। अब हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं, फोर्थ नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, ओके। और यहां पर होता है माइनस sin x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, पर ये वाला माइनस को हम लोग यहां लिखेंगे, मींस क्या इसका मतलब है कि माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होगा sin x। तो जस्ट सिमिलरली इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा, मींस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, मींस माइनस cos x, माइनस cos x और प्लस में कांस्टेंट मींस c। नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेटिव, फाइव नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और सिमिलरली अगर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, tan x आएगा, मींस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इक्वल टू tan x प्लस c, ओके, मींस sec x का sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस c। तो चलिए हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट है सिक्स नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां tan x तक हो चुका था, अब देखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x cot x, मींस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x cot x, बट हम लोग यहां से माइनस को हटाकर कहां लाना है, यहां पर लिखना है, इसका मतलब ही सेम ही है, मींस माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होगा cos x इनटू cot x, और सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मींस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इनटू cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन था cos x cot x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x और प्लस में c, क्योंकि इंटीग्रेशन में लास्ट में कांस्टेंट ऐड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेवन नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x into tan x, ओके, तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x into tan x, तो इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा sec x into tan x, इंटीग्रेशन होगा sec x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x इक्वल टू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा sec x plus c, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग और इंटीग्रेशन इसका देखते हैं और साथ में डिफरेंशिएशन भी। नेक्स्ट है एट नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, ये लास्ट है,
cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब यहां का माइनस हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, यानी माइनस cot x का डिफरेंशिएशन होगा cosec स्क्वायर x, और सिमिलरली इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, माइनस cot x मींस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इक्वल टू होगा माइनस cot x प्लस c, ओके। हाँ तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x प्लस c, ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं और साथ में उसका इंटीग्रेशन भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं, 8 नंबर तक हम लोग कर चुके थे, 9 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखने वाले हैं। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये सब जो भी डिफरेंशिएशन मैं लिखा रहा हूँ उसे आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ओके। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं, 10 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस भी होता है, बट यहाँ का माइनस हम लोग इस डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में लिखेंगे। मींस माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, तो इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है dy/dx इन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, और जस्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x, और प्लस में कांस्टेंट मीन सी। तो 12 नंबर लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 x इनटू √x² -1, बट यहां पर माइनस ही होता है, ओके। लेकिन इसका जो माइनस है, हम लोग इस माइनस साइन को हम लोग डिफरेंशिएशन के साइड लिखेंगे, मींस यहां पर। तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x इंटू √x² -1, और सिमिलरली अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x² -1 dx इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और प्लस में एक कॉन्स्टेंट सी आएगा, ओके। नेक्स्ट इंटीग्रेशन और उसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो 13 नंबर है हमारा d/dx sec inverse x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec inverse x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x into √x² -1। सिमिलरली जो cosec inverse x है उसका, सिमिलरली इसका भी होगा, sec inverse x का भी डिफरेंशिएशन वही होगा, बट वहां पर माइनस साइन लगा था, इसमें माइनस साइन नहीं होगा। तो जस्ट इसका अपोजिट अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x² -1 इक्वल टू क्या आएगा, sec इनवर्स x आएगा, ये वाला वैल्यू मींस sec इनवर्स x प्लस c। तो चलिए हम लोग 14 नंबर देखते हैं, 14 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x का हो गया है, sec x का हो गया, और लास्ट बचा है cot x means cot inverse x का differentiation हम लोग लिखेंगे। तो cot inverse x का differentiation क्या होता है, 1/x into 1 by
वन प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन ये भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर माइनस साइन भी होगा। और जैसे हम लोग देख चुके हैं कि माइनस साइन को हम लोग डिफरेंशिएशन के साइड लिखते हैं, तो इस माइनस साइन को भी हम लोग इस साइड लिख देंगे। और अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या होगा, माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स और प्लस में एक कॉन्स्टेंट सी। तो 15 नंबर हम लोग लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x मींस एक्सपोनेंशियल का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन में कोई चेंजेस नहीं होता, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x ही होगा। सिमिलरली अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मींस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, मींस e का पावर x dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, e का पावर x ही आएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट। 16 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मोड एक्स, तो लॉग मोड एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू क्या आएगा, वन बाई एक्स। ओके, तो लॉग मोड एक्स का वैल्यू होता है, लॉग मोड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई एक्स। सिमिलरली वन बाई एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मोड एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉग मोड एक्स प्लस सी। एक और लास्ट हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 17 नंबर का, और ये सब फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो 17 नंबर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए का पावर एक्स डिवाइडेड में लॉग ए, मीन्स डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालना है ए का पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए का पावर एक्स, इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, ए का पावर एक्स। सिमिलरली अगर हम लोग ए का पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स का वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा ए का पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए का पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस में सी। तो ये सब कुछ डिफरेंशिएशन थे और साथ ही साथ उसके इंटीग्रेशन थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो।